नहीं रहो राहों में कोई रुकावट, जीना है हमको यही अमन की छाँव में, जीना है हमको यही मिटा के नफरतें सभी, जीना है हमको यही। हर सू होगी रोशनी, सबर जाएगी जिंदगी, दिल में हो यही यकीन कि जीना है हमको यही, ना दूरी को कोई मंजिल की, जीना है हमको यही ना हो राहों में कोई रुकावट, जीना है हमको यही अमन की छाँव में, के नफरतें सभी, जीना है हमको यही। सवर जाएगी जिंदगी, दिल में हो यही यकीन कि जीना है हमको यही, ना दूरी को कोई मंजिल की, जीना है हमको यही ना हो राहों में कोई रुकावट, जीना है हमको यही अमन की छाँव में, जीना है हमको यही मिटा के नफरतें सभी, जीना है हमको यही अमन की छाँव में, जीना है हमको यही मिटा के नफरतें सभी, जीना है हमको यही। पूछते हैं कि एक्चुअली आपने कैसा गाया। सो सालम, फिनोमिनल परफॉर्मेंस, इवन व्हेन ही वाज इन वन ऑफ द एपिसोड्स, आई रियली लाइक्ड हिज सिंगिंग एबिलिटी, हीज गॉट अ गुड वॉइस। कंपोजिंग अ सॉन्ग फॉर अ ग्रैंड फिनाले इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई मीन एंड जजिंग हियर इज द वर्ड, जजिंग समवन इज ऑब्वियसली अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ये लगता है कि टुवर्ड्स द एंड व्हेन ही ओपनड अप and sang with his heart, uske jitne bhi sare jo notes the scale ke jo samne aaye the, which was very good, I was quite impressed, but overall very good performance, I really liked it. Thank you sir. Thank you so much. Ramesh, bahut bahut maza aaya mujhe aapke singing mein bhi, aur jo band ne bajaya hai wo bhi bahut acha bajaya hai, bada tight bajaya hai, to overall performance mujhe bahut achi lagi aapki. Thank you. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बैंड ने बहुत ही अच्छा बजाया, इसलिए कि बहुत कॉम्पैक्ट बजा रहे हैं, और इनके लिए ज़्यादा तालियां यूं कि इन्होंने बहुत कम अरसे में गाने रिहर्स किए हैं बहुत सारे, दैट इज़ वन थिंग टू बिगिन विद। अली रिजवान, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आपने बड़ी मेहनत की है यहाँ तक आने में।
मिली नगमा जैसे होता है वैसे आपने गाना कंपोज किया है और बहुत फास्ट नहीं था, बहुत स्लो नहीं था, एक मॉडरेट टेम्पो पे था। परफॉर्मेंस आपकी बड़ी सॉलिड है, कॉम्पैक्ट है। बस ये ख्याल रखिएगा कि जब जब एक लोगों को आप पकड़ लें तो उसके बाद छोड़े ना, और वो छोड़ना ये होता है कि मुझ जैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए इसलिए हैं कि मैं आपकी गलती को पकड़ूं। आपने कोई गलती नहीं की, जो अलाप लिया था उसको जिस रंग में आपने गाना था उस रंग में उस जगह नहीं थे आप, उस बंदिश से बाहर आ गए थे, तो उसका कंट्रोल सिर्फ नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे। जब आप ये सुनेंगे, ये टीवी पे देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तुझ पे मैं कुर्बान। बिगिनिंग और बहुत ही फील करते हैं वो सारी परफॉर्मेंसेस को, और आपको और हम सबको कमेंट्स देते हैं इस पे, जिसके ऊपर रिजल्ट बेस करता है। अब मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे थर्ड परफॉर्मर को, जिनका नाम है हसन शहरयार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, तो आपका भी पैकेज देखते हैं बिफोर योर परफॉर्मेंस और सबको बताते हैं कि आपने क्या क्या किया। प्लीज कम हियर। हसन शहरयार का ताल्लुक यूके से है। अजमे अली शान में इन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। सिटीजंस आर्काइव ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर एजुकेशन, कल्चरल एंड हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन पर काम कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की रूह रवां शर्मीन उबैद हैं। शहरयार का अजम जो है, उनका कहना ये कि कल्चरल एक्टिविटीज हों, हेरिटेज पे आपने बड़ा फोकस करना है, और इट इज समथिंग जो सिटीजंस आर्काइव का भी अजम है। मैंने एक चीज गौर की कि यहाँ बहुत ही प्रोफेशनलिज्म है, बहुत पाकिस्तान पे काम किया जा रहा है और बहुत इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनके बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड, हेरिटेज से रिलेटेड, जो कि मेरा भी अपना अज़्म है। तो मुझे यहाँ के बहुत खूबसूरत लगा इनके ये प्रोजेक्ट्स सुन के, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी गॉट द परफॉर्मेंस शहरयार की, तू मेरा दिल, ये है आपका मिली नगमा। जी बिल्कुल, चलिए जी, ओवर टू द जजेस। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तुझ पे मैं कुर्बान। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तुझ पे मैं कुर्बान। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू मेरा अज़्मे आलीशान। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तू मेरा घर, मेरा पाकिस्तान। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तुझ पे मैं कुर्बान। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, तुझ पे मैं कुर्बान।